भी क्लास 11th में साइंस साइड लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले आपको साइंस साइड लेने से पहले छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। पहला नंबर तो यही है कि आपकी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप पर अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप पर ये नहीं आती तो साइंस साइड लेने का कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अपनी बेसिक जानकारी, छोटी छोटी कैलकुलेशन अच्छी बना लो, फिर उसके बाद में आप साइंस साइड में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। क्लास 11 भाई 12th के भी बच्चों ने तो 9th में साइंस लेने का प्लान होगा उनका, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम और छोटी छोटी कैलकुलेशन उन्हें अच्छी बना लेनी चाहिए बेसिक सी। दूसरा, अगर आपको PCM लेना है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे, PCB लेना है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप PCM लोगे तो उसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। PCM में दो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, मैथ का और हिंदी इंग्लिश का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी प्रकार अगर आप PCB लोगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। PCB में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। इनमें 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। आप जब साइंस लोगे तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से नहीं। लेकिन साइंस साइड में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस तब दिखा सकते हो जब आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटे छोटे बेसिक आपको अच्छे से आते हो। अगर आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो साइंस साइड में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगे रहो। ये मैं ये किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। तुम साइंस साइड में तुम्हें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, कॉपी किताबों को टाइम देना पड़ेगा, तभी तुम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। साइंस साइड में पैसा वेस्ट मत करना कि ले लिए बस और फिर पैसा ही पैसा लगा रहे हो। अगर तुम्हारे बेसिक जानकारी, तुम्हें छोटी छोटी चीजों की जानकारी है तो साइंस साइड लो, वरना कुछ फायदा नहीं है। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कितने हैं, कितने 5 सब्जेक्ट आएंगे बस, शायद नहीं आएंगे। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तभी जाकर साइंस साइड लेना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना।